नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इनफोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज हमारे पास आ गया है बीटल का F5 4G फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, 4G फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन, SMS, कॉलिंग, इंटरनेट सब इसमें है। ये डिमांड है लोगों को, घर में बैठना है, काम करना है, और आप भी अगर गांव में, शहर में, कहीं पे भी हैं और अगर आपको नेटवर्क यानी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इस तरह का अपनी सिम के साथ एक टेलीफोन लेके उसका नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको उसमें SMS और जो फीचर मिलते हैं नॉर्मल फ़ोन के अंदर वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो एक तरीके से इसमें हॉटस्पॉट है, ये लगातार आप चला सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इन चीज़ों को ख़रीदने की वो है इसके साथ एक्सटर्नल एंटीना। नॉर्मल लोग तो मोबाइल को भी हॉटस्पॉट कर लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ऐसा क्या खास है, वो एक्सपेक्टर वो यही है भाई, आप लो नेटवर्क कवरेज में जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है कैसे कवरेज ले सकते हैं, कैसे लो नेटवर्क कवरेज में ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं, चाहे आप शहर में हो, गांव में हो, चाहे भले कहीं पे भी हो। F5 4G फ़ोन है, बीटल कंपनी का है। इसमें दो मॉडल हैं, एक F3 4G है। इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसमें वोल्टी 4G, 3G, 2G है, ब्लूटूथ है, FM रेडियो है, हॉटलाइन भी है। 5799 इसमें MRP है जो कि लिखा हुआ है। तो ये आ गया भाई मेरा लैंडलाइन फ़ोन, अब जिससे मैं जो है सबसे बात करूँगा। और फ्रेंड्स हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी बैटरी लगती है, सिम कार्ड लगता है, वाईफाई, मैक एड्रेस और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे कंपनी ने दे के रखा है। और उस क्लासिकल लुक है, छोटी सी स्क्रीन भी है, कलर स्क्रीन है, और काफ़ी अच्छा इसका स्टाइलिश लुक है। स्पीकर, माइक सब कुछ है इसमें, स्पीकर फ़ोन भी है। और इसका हैंडसेट किट लगा देते हैं। यहाँ पर इसके बैक साइड पर पॉइंट है, और जो इसका रिसीवर है जो हमारे कान पर हम जिसे आवाज़ सुनेंगे बोलेंगे वो हम इस तरह से रख सकते हैं। एंटीना इसमें लगाने के लिए TNC मेल कनेक्टर का एंटीना है, TNC फीमेल कनेक्टर जो है ये हमारे टेलीफोन में है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे साथ में एक यूज़र गाइड मैनुअल मिल जाती है, जिसमें हर तरह के इसमें फंक्शंस जो हैं कैसे यूज़ करेंगे वो सब बताए हुए हैं। बैटरी मिल जाती है, और सिम लगाने के लिए हम इसको हल्की सी टेप कर देंगे ताकि सिम क्योंकि लॉक में फंसी रहे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैटरी है, उसे लगा देंगे। अगर हमने जो एक्सटेंशन किट हमने लाई है, केबल लाई है, जिससे हम इसको फीमेल में कन्वर्ट कर देंगे, एक जंपर पिगटेल है हमारे पास, इस तरह से जो है हम एक्सटर्नल एंटीना की वायर जो है ऊपर से जो लाई है वो यहाँ पे लगा देंगे। पावर बटन को दबा के रखने पर जो है ये हमारा ऑन हो जाएगा, और सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास जितना भी जो सिग्नल, SMS वगैरह, नोटिफिकेशन सब आ जाती है, जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन में फंक्शन आते हैं बिल्कुल वैसे ही है। और अबाउट में सिम में जाके हम चेक कर सकते हैं भी कितना सिग्नल इसमें आ रहा है। और वोडाफोन की सिम में आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरनेट हमारे को मिला। हमने अभी यहाँ पे LPD एंटीना लगाया था इसके साथ, और यागी एंटीना के साथ भी टेस्ट किए थे, तो हमारे को यागी एंटीना के साथ इसके बहुत अच्छे टेस्ट मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और इसमें वोल्टी वगैरह सारे फंक्शन हैं। और अब हम चेक करा रहे हैं आपको एयरटेल की सिम पर। वोडा के फ़ोन के साथ आपने देख लिया कितनी स्पीड आई थी, अब एयरटेल के साथ आप देख सकते हैं भाई बहुत अच्छी स्पीड हमारे को मिल रही है। और इसमें कोई खास बैंड लॉक की ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल फ़ोन की तरह है, प्रॉपरली वही सारे फंक्शन है, और स्पीड आप देख सकते हैं 9 MBPS के आसपास आ रही है। जियो में हमारे पास LMR 400 वायर हमने लगाई थी तो काफ़ी कम सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद जब हमने यागी एंटीना लगाया तो अच्छा सिग्नल और अच्छी स्पीड मिली। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन हैं, और सिग्नल कितना आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हमने दूसरा एंटीना लगाया पहले 74 से लेकर 80 तक आ रहा था, और स्पीड भी हमारी जियो की बढ़ गई फिर, यानी कि इसके साथ जियो के साथ हमें यागी एंटीना लगाना पड़ा और स्पीड तभी हमारे को अच्छी मिली। और बात की जाए कुछ, हम कॉलिंग के भी टेस्ट आपको करवा देते हैं। ये हमारे पास जो है इसका नंबर हमने एक ऑफिस के नाम से लिया हुआ है। यहाँ पर पहले हम अपने मोबाइल पर कॉल कर लेते हैं, तो प्रॉपरली जैसे फ़ोन से कॉल करते हैं वैसे इसमें भी ईजिली फ़ोन हो जाता है। और यहाँ से हम कॉल बैक करके भी देख लेते हैं भाई, कॉल बैक भी प्रॉपरली हो जा रही है, और रिसीव, सेंड रिसीव और कॉल डिसनेक्ट वगैरह प्रॉपरली सब कुछ हो पाता है। हेलो 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 हेलो। तो हमने कर दिया है अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, बीटल हॉटस्पॉट, वाह भी वाह आ रहा है। तो क्या पासवर्ड क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पासवर्ड है। यानी कि इस फ़ोन में हमारे पास पहले से ही मतलब जो है हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, जैसे ही इसको ऑन करते हैं उसको ऑफ़ करने की ऑप्शन है हमारे पास। प्रॉपरली काम करता है भाई, बीटल का फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं है।
और हमने इसका टोटली अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ आपको बता दिया, स्पीड टेस्ट भी बहुत अच्छे बताया आपको। हॉटस्पॉट इसमें ऑटोमेटिकली ऑन रहता है हमेशा के लिए। पासवर्ड सेटिंग जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं वैसे ही इसमें कर सकते हैं। और आप इस राउटर को नहीं मतलब टेलीफोन को आप किसी और वाईफाई से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें वाईफाई भी है। तो ये एक तरीके से कंप्लीट मोबाइल सिस्टम है। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन मेरे को ज़्यादा इनकी वेबसाइट वगैरह पे भी नहीं मिली। फंक्शन जैसे जैसे एंड्रॉयड में आते थे वैसे ही हैं सारे। हाँ, बटन से ऑपरेटेड है और नॉर्मली SMS वगैरह और कॉलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कॉलिंग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं और नेट कम यूज़ करना चाहते हैं और एक्सटर्नल एंटीना लगाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ये है एक इसका अपना एंटीना जिसमें TNC केबल है, TNC एंटीना है। और इसमें ये चीज़ नहीं है, मतलब ये देखो SMA कनेक्टर कितना होता है और ये कितना मोटा होता है, तो ये इसमें थोड़ा लगेगा। तो बात आ रही है अभी आपको ऐसा एक जंपर बनवाना पड़ेगा जिसमें हम फिर जो अलग से कनेक्टर आते हैं, जो हमारे SMA मेल कनेक्टर आता है छत से, वो हम यहाँ लगाते हैं, या फिर जो वायर है वहाँ पे SMA मेल ना लगा के हम TNC मेल लगाएं और स्पेशल जो वायर आ रही है वो सीधे यहाँ पे लगे। तो इस तरह से सेटअप हमने किया, आपने देखा किस तरह से हमने एंटीना लगाया है इसमें और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमारे को आए इंटरनेट के भी, और कॉलिंग वगैरह जो है प्रॉपरली बढ़िया चलती है इसमें, और सारे टेस्ट आपको बताए हमने। हो सकता है इसमें बहुत सारे फंक्शन हो बट आप और वीडियोस देख सकते हैं, बट हमें तो ये इंटरनेट से रिलेटेड थी जो कि हमने इंटरनेट को एंटीना टूना लगा के बढ़िया करके जो है सारे टेस्ट रिपोर्ट आपको बताई है। मुझे ये टेलीफोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लासिकल टेलीफोन की तरह है, बट इसमें बहुत एडवांस फंक्शन है, जैसे इसमें सिम डल जाती है, 3G 4G 2G सब चलते हैं और एंटीना भी लग जाता है। तो हमने ये मंगवाया था, अगर आपको किसी को चाहिए तो हम 5000 रुपये में दे देंगे इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। एक ही पीस पड़ा है हमारे पास, वही हम देंगे इतने में, बाकी आप लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन का है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। हमारे पास जो सिंपल लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं और फिर लिंक हम हटा देंगे। सिर्फ एक ही ऑफ़र है, मतलब सिर्फ एक ही बंदा इसे खरीद सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर आपको इस तरह की और वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियोस नोटिफिकेशन में आती रहेंगी। और इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।